पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। ये कुत्ते की तुम यहाँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम, आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? ए, उसे जाने दे, मैडम का लवर है ये, सारे काम साथ में करते हैं, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। आने दो, आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए, मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ गना। गणेश, करते क्या? फिलहाल तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो? मैं तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बिसाले? एक एक वोट से घड़ा भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था? मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में, शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारी नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ हाँ, तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे, वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे एमएलए मैडम, आई लव यू। चप्पल से मारूंगी तुझे। आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मार डालो। We want justice. We want. उसने रेप किया है, फांसी तो होनी चाहिए। We want justice. 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 We want. मेरा आज का काम खत्म हो गया, आप चलें? चाचू, मुझे एक केस करना है। किस पर केस करेगा? उस एमएलए पर। एमएलए पर करेगा? हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अबे ये भी कोई बात हुई? अरे साइकिल की चोरी पर केस हो सकता है? उसने तो मेरा दिल चुरा लिया, केस तो बनता ही है। कोई कदम लागू नहीं होती। मार देगा कैसे? चल उठ जा, निकल। ये मामला क्या है? एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है। जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र बिजनेसमैन प्रसाद कुमार के बेटे हैं। धनुष के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए। साइलेंस। मूर्ति जी, अब तक लॉयर क्यों नहीं आया? मैंने सुबह से उनको कई फोन किए लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। उनके घर पे भी ताला लगा है, रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम, वो कहाँ चले गए? चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है। चलो। नमस्ते सर। हियरिंग का टाइम हो गया है, आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? पता नहीं साहब। तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब। कोई वकील नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं? इस तरह आप कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता, वकील चाहिए। चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे। उठ जाओ। ये क्या बक रहा तू? डिसाइड हो गया, चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। लेकिन शुरू कैसे करो? लीव ऑफ एब्सेंस मांगो। और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा, सबूत और गवाह लाना मेरा काम है। चलो। योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है, ये केस मैं टेक ओवर करता हूं। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो।
खामोश। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा मगर कब? जब गुनाह साबित हो। लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ शी वॉज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था, उसे 1 नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। आइए सर, ये बात बिल्कुल सच है सर। हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट लिखी। सर सर नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए। आपसे भीख मांगता हूँ, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, हम ये केस वापस ले लेंगे। ए, और तुम्हारे कहने से नहीं चलता। आपने देखा जज साहब, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था। मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन। पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया। और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया। इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। सारे एविडेंस भी यही कहते हैं। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। कलंक है ये लड़की, और किसे पता, शायद इसके माँ बाप ने ही इसे इस काम में झोंका होगा। इस शहर की गंदगी है ये। ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है जज साहब। कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। चला जा जा। सुखी रहो बेटी। आपने मेरी बेटी, बदचलन, नहीं, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। चाचा जीप निकालिए, हॉस्पिटल चलते हैं। चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, हमें इन्हें बचाना होगा। चाचा चलो जल्दी करो। चाचा चाचा गाड़ी स्टार्ट करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। ना, जल्दी करो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं बेटा। मर चुके? वकील साहब, महिमा के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया, क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट का फैसला गलत है? जज की क्या औकात जो हमारे खिलाफ फैसला दे। पैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं। हमने जज को खरीद लिया था। चाचा जरा इन्हें पकड़ो। क्या क्या बोला वो? अरे कुछ नहीं, चलते हैं यहाँ से। अरे क्या बोला था उसने? नहीं पढ़ना इन सब। चाचा उसने अभी क्या बोला था? धनुष के आदमी है, समझा कर। मैं कह रहा हूँ ये धनुष के अनुष, इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ये धनुष के आदमी है। केस तुम जीत चुके हो,
अब क्यों आए हो यहाँ? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं लेकर आया हूँ। तीर्थो कॉफी ले आओ, आओ मेरे साथ। 300 एकड़ जमीन में से आपने सिर्फ 250 एकड़ जमीन क्यों ली, ये समझ में नहीं आया। बाकी के 50 एकड़ मेरे वॉचमैन के लिए है। कैसे हुआ ये? ए यू टाइकॉन, तुझे रेप करने का लाइसेंस मिल गया, अब जो तेरे जी में है तू कर, बाकी सब मैं संभाल लूँ। लव यू ब्रदर, एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट। ए इसको ट्राई कर, फास्ट है। सारे को चीट डालो, कोर्ट को मैं संभाल लूंगा। वही जो सही वक्त पर मिले, अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था वो? बड़े जोश में लग रहे हो। रात को 2-3 पैक ज्यादा हो गए थे, वही उतार रहा हूँ। मतलब रात की उतरी नहीं, क्यों? अरे गणेश, कल रात में कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। सुनो, 10 दिन में DGP रिटायर होने वाले, शाम को पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को बोला है। वहाँ पर कोई घटिया हरकत मत करना। कौन, मैं? पार्टी के नाम से मन में लड्डू फूट रहा है।